बिजनौर खबर टीवी में आपका स्वागत है। बिजनौर के खारी में चोरी छिपे किया निकाह, सास को पता चलने पर उतार दिया सास को मौत के घाट। दरअसल आपको बता दें कि बिजनौर के खारी में उस समय हड़कंप मच गया जब खून से लथपथ 50 साल की महिला की उसी के घर में मिली लाश, जिसको देख लोगों का दहल गया दिल। महिला की मौत की खबर उसके बच्चों को दी गई, जो कि बाहर दिल्ली और पुणे में काम करते हैं। दिल्ली से बड़ा बेटा आया, जिसने अपनी माँ को मृत पड़ा देखा और चीख पुकार मचा दी। पड़ोसियों ने उसे दिलासा दिया। उसके बाद बेटे ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी और तुरंत घटना का खुलासा किया, जिसमें ये पाया गया कि कमरुनिशा नाम की महिला के पति पर 6 साल पहले फालिश पड़ गया था, जिसके चलते कमरुनिशा को बच्चों के पालन पोषण के लिए रिश्तेदार जकात खैरात देते थे, जिससे उसका गुजारा होता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात जाहिर नाम के व्यक्ति से हुई और दोनों ने चोरी छिपे निकाह कर लिया। कुछ समय बाद कमरुनिशा की खलेरी सास जरीना खातून को निकाह के बारे में पता चल गया और उन्होंने निकाह के बारे में रिश्तेदारों को बता दिया, जिसके बाद कमरुनिशा को जकात और खैरात मिलना बंद हो गया। इसी बात से नाराज कमरुनिशा ने खलेरी सास को अकेला देख अपने दूसरे पति जाहिर के साथ मिलकर बेरहमी से हत्या कर दी और दोनों लाश को कमरे में बंद करके चले गए। पुलिस ने घटना का खुलासा करने के बाद दोनों आरोपियों को भेजा जेल। 15 जुलाई की शाम को हल्दौर थाना क्षेत्र के खारी ग्राम में एक बंद मकान में एक महिला की डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। महिला का नाम जरीना खातून था। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेजा गया था। घटनास्थल का बहुत ही बारीकी से वरिष्ठ अधिकारियों ने निरीक्षण किया था। इस मकान में बाहर से ताला बंद था और डेड बॉडी अंदर थी। आज इस घटना का हल्दौर थाना पुलिस ने खुलासा किया है। इसमें कमरुनिशा और जाहिद दो को अरेस्ट किया पुलिस ने। इनसे पूछताछ में पता चला कि मृतका को इनके विवाह के बारे में जानकारी थी। इन्होंने चोरी छिपे निकाह कर लिया था। कमरुनिशा पहले से हनीफ से शादीशुदा थी और इस बारे में जरीना खातून ने काफ़ी लोगों को बता दिया था। इसी कारण इन्होंने गुस्से में आके 12 जुलाई को इसके घर पर आए और दरवाज़ा खुलवाया, अंदर जाके इसकी हत्या कर दी और बाहर से ताला बंद करके लोग चले गए थे। ताले की चाबी तथा घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया है। आवश्यक दैनिक कार्रवाई की जा रही है।